स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी के चैप्टर 36 म्यूटेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन, में टॉपिक म्यूटाजन, हिंदी में कहेंगे इसे उत्परिवर्तन जन व क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हिंदी में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन आज हम चैप्टर 36 म्यूटेशन में टॉपिक म्यूटाजन, हिंदी में उत्परिवर्तन जन कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इन टॉपिक से पहले प्रीवियस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, वो एक बार रिवाइज करते हैं या रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हिंदी में इसे बोल देते हैं आड़ी तिरछी वंशांगति या क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी। हम देखो सामान्य अर्थ क्या है इनका, यदि पेरेंट की बात हम करें, पेरेंट में भी मेल और फीमेल दोनों को हम पेरेंट बोलते हैं, कपल बोल सकते हैं, या इसके लिए ये भी बोल सकते हैं फादर पिता, इसको बोल सकते हैं मदर। यदि पिता में जो भी ट्रेट हैं या करेक्टर हैं वो सन में पहुंचे, फीमेल या माता के डॉटर में पहुंचे, देखो वंस अगेन पेरेंट जनक मेल फीमेल को कहते हैं सामूहिक रूप से, मेल को हम पिता भी बोल सकते हैं फादर, फीमेल को बोल सकते हैं मदर माता भी, यदि मेल के लक्षण दोनों संततियों में आते हैं सामान्यतः, और वेरिएशन भी दर्शाती हैं प्रोजेनी, क्योंकि दोनों के ट्रेट आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर घटना होती है उसके कारण। यदि फादर के लक्षण पिता में वो पुत्र में ही आ रहे हैं, पिता के लक्षण यदि पुत्र में ही आ रहे हैं, माता के यदि पुत्री में आ रहे हैं, तो इसको क्रॉस नहीं कहेंगे, स्टेट कहेंगे, स्टेट हेरिटेंस। ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी फीमेल, ये भी आगे फीमेल, मेल 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 मेल, मेल से मेल में, फीमेल से फीमेल में, इसको स्टेट इनहेरिटेंस बोलते हैं, सीधी वंशांगति बोल सकते हो आप। परंतु यदि ये स्थिति आ जाए, ये तो है स्टेट, दूसरी स्थिति में ले रहा हूँ सन, वापस ये रिपीट किया डॉटर, यदि पिता के लक्षण ये फीमेल को दर्शाएगी, फीमेल से संबंधित है, यानी ये सिंबल हम काम में लेंगे, इसके लिए काम में लेंगे ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सामान्यतः ये बोल सकते हैं यदि पेरेंट पीढ़ी में, पेरेंट जनरेशन में यदि लक्षण पुत्री के माध्यम से आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। यदि पिता के जो भी ट्रेट हैं या करेक्टर्स हैं वो डॉटर के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेल से संबंधित है, ये फीमेल है दोनों पिता व पुत्री, परंतु अगर ये मेल और फीमेल से संबंधित हैं, क्रॉस हैं एक दूसरे से, अपोजिट हैं बोल सकते हो, जैसे माता पिता, पिता पुत्र, उस स्थिति में हम ले सकते हैं कुछ अंश में। दूसरा क्या होगा,
जो अक्षलिंग गुणसूत्र पाया जाता है उस अक्षलिंग गुणसूत्र पर करीबन 20 लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन पाई जाती हैं। उनमें से एक हीमोफीलिया पढ़ा हमने, एक पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, कौन सेल का भी आया था इसमें, इसको सामान्यतः क्रिस क्रॉस इनिटेंस कहते हैं। देखो वंस अगेन, यदि मेल से मेल में, फीमेल से फीमेल में, उसको स्टेट इनहेरिटेंस कहते हैं। परंतु यदि पिता के लक्षण, पेरेंट जनरेशन के लक्षण पुत्री के माध्यम से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उससे क्रिस क्रॉस कहते हैं, क्योंकि ये मेल है ये फीमेल से संबंधित हैं, क्रॉस हैं। कुछ अंश में अपोजिट शब्द हम काम में ले सकते हैं, इसलिए इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ भी यही स्थिति होगी, ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की स्थिति में आता है। दूसरा ये है, कितने जीन पाए जाते हैं, 20 जीन है लगभग, जो कि लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को परिभाषा के रूप में अगर हम लें तो कैसा होगा, देखो कैसे इसको लिखेंगे। वह वंशांगति, वंशांगति का अर्थ होता है इनहेरिटेंस इंग्लिश में, पीढ़ी दर पीढ़ी, वह वंशांगति जिसमें जनक पीढ़ी, पेरेंट जनरेशन बोलेंगे माता पिता, जनक पीढ़ी के लक्षण, ट्रेट बोलेंगे के लक्षण, डॉटर के माध्यम से, पुत्री के माध्यम से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये ध्यान कर लेना, अक्ष गुणसूत्र पर 20 लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन पाई जाती है, यानी 20 हम बोल सकते हैं, 20 लक्षणों के जीन पाई जाती हैं, 20 से अधिक भी हो सकती हैं। सामान्यतः अगर हम एक लक्षण, वन जीन, वन अक्षण के बेस पर अगर हम लें, ये बिंदु भी आ चुका है पहले, उस बेस पर अगर हम लें तो 20 जीन, 20 लक्षणों को, उसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो भी सती अपन ने कुछ फ्लो चार्ट बना के अध्ययन किया था इसका। देखो दूसरा इसमें टॉपिक आया था, एक छोटा सा बिंदु है, एग्लूटूनेशन, अब देखो सामान्यतः ये होता है, ब्लड ग्रुप से संबंधित है, यदि कोई व्यक्ति जिसमें मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ टाइप होता है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल किया आपने बहुविकल्पता का, 3 एलील्स होते हैं इसके, यदि 2 से अधिक एलील हैं, एलील यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसे एलील कहते हैं, एबीओ मल्टीपल एलील्स का एग्जाम, वो एलिबल एलील्स का एग्जाम्पल है, 3 एलील्स बन रहे हैं यानी 2 से अधिक और मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इसमें एक तो एंटीजन ए होता है, एक बी होता है, दोनों आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। परंतु ये तो खोज हुई है सन 1900 में, लगभग 40 वर्ष पश्चात सन 1940 में रिसस मंकी में एक अन्य एंटीजन की खोज हुई है। इस रिसस से आरएच लिए गए, उस एंटीजन का नाम कहा गया आरएच फैक्टर, ये आरएच एंटीजन बोल देंगे। जिनमें होता है यानी ये पाया जाता है वो तो आरएच पॉजिटिव, जिनमें आरएच का अभाव है यानी जिनमें ये आरबीसी की सतह पर नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव। पूरे विश्व में अगर हम देखें, विश्व में लगभग अगर हम 10th की बुक के अनुसार देखें तो 85, एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो, और वैसे लगभग 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, यानी ए बी के अलावा ये भी एंटीजन भी उपस्थित होता है। बंदर में खोजा गया था इसमें, इस बेस पर इसका नाम रखा गया, जिनमें नहीं है वो है लगभग 7%। अब देखो कुछ बार है कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, दोनों का यदि ब्लड ग्रुप ए है, परंतु कुछ बार भी समान ब्लड ग्रुप होने पर भी व्यक्ति में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यहाँ तक कुछ बार मृत्यु भी हो सकती है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि एक व्यक्ति ये है आरएच पॉजिटिव, दूसरा है आरएच नेगेटिव, दोनों का ये मान लेंगे ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी है, तो इसको तो बोल देंगे ए पॉजिटिव, इसको बोल देंगे ए नेगेटिव। यदि यहाँ से ये ब्लड जाता है, इसमें स्थानांतरित किया जा रहा है किसी विकार के कारण, यदि इसमें ब्लड की कमी है, सर्जरी के कारण है या एक्सीडेंटल के कारण है, किसी कारण से यदि कमी होती है, यदि इससे ब्लड ग्रुप सेम है परंतु फैक्टर अलग है, एंटीजन एक अन्य पाया जाता है, इसमें है इसमें नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में इसमें कौन से में आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति में क्या बनने लगती हैं, आईजीजी प्रतिरक्षी बनने लगती हैं। आगे एक इम्यूनिटी का आपका चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे विस्तार से। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, ये एंटीबॉडी है मानव की देह बनाती है, बाहर से कोई भी आपकी देह में या मानव की देह में प्रवेश करता है उसे एंटीजन कहते हैं, फॉरिगन पार्टिकल्स कहते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उस किसे अगेंस्ट मनुष्य की देह ये बनाती है उसको ये बोलते हैं साइंटिफिक नेम में इम्यूनोग्लोबुलिन। आई लिया गया, इसे जी लिया गया, ये बनेंगी और इसके कारण क्या हो जाती हैं, आरबीसी समूहन में आ जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, समूहन दर्शाती हैं। और ऐसी स्थिति में अंदर हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो व्यक्ति में कुछ जटिलता उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि मृत्यु हो सकती है। सामान्य अर्थ क्या है, यदि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड आरएच नेगेटिव में स्थानांतरित किया जाता है तो उस आरएच कारक के विरुद्ध उसमें आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, आरबीसी को समूहन के लिए प्रेरित करेंगे, आरबीसी को समूहन करेंगे, एक स्थान पर ग्रुप बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और ग्रुप बनाकर उनको नष्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। देखो वंस अगेन, आरएच पॉजिटिव को यदि आरएच नेगेटिव को ब्लड देता है या आरएच पॉजिटिव डोनेट कर रहा है या रिसीव कर रहा है तो विपरीत एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं है इसमें है, इसके कारण इसकी देह में ये एंटीबॉडी बनेंगे या आरबीसी को समूहन द्वारा नष्ट कर देती हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक और ये आया था अभी इस बेस पर, अगर हम लें जो अक्ष गुणसूत्र पर 20 लक्षणों के जीन पाए जाते हैं उनमें एक ये भी है, आँख में दो सेल हम पढ़ेंगे, आँख की संरचनाएँ हैं आपकी, एक तो शंकु आकार की सेल पाई जाती हैं उनको तो शंकु कोशिकाएँ कहते हैं, एक छड़ आकार की कोशिकाएँ पाए जाते हैं उनको छड़ आकार की कोशिकाएँ कहते हैं। किस आकार की हैं, शंकु आकार की हैं तो इनको बोल देंगे शंकु कोशिकाएँ, छड़ आकार की हैं उनको बोल देंगे छड़ कोशिकाएँ। अब इनमें कौन सेल से संबंधित, कौन सेल जो हैं वो यदि इनको नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं, जीन इनको नियंत्रित करने वाले जीन यदि प्रभावी अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में विकृति नहीं आएगी उस मनुष्य में, यानी कलर से संबंधित विकार नहीं आएगा, कौन सेल कलर का कार्य करती हैं, जितने भी सारे कलर हैं VIB GYUR जो आप पढ़ते हो उनका आइडेंटिफाई करने का कार्य ये करते हैं, परंतु इनको जो इनसे जो जीन संबंधित जीन है जो इनके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं वो यदि प्रभावी हैं यानी कैपिटल लेटर में हैं मेंडल के अनुसार, तो वो अपने लक्षणों को दर्शाएंगी और वो व्यक्ति कलर को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है। परंतु यदि ये अप्रभावी अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में मेंडल के अनुसार अप्रभावी अपने लक्षण नहीं दर्शा पाते, दर्शाने नहीं पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति कुछ कलर में विभेद नहीं कर पाता है। तो कहने का अर्थ है यदि कौन सेल से संबंधित जीन, शंकु कोशिकाओं से संबंधित जीन यदि प्रभावी स्थिति में तो व्यक्ति कलर को आइडेंटिफाई कर पाता है, यदि अप्रभावी विकल्पी आते हैं तो ऐसी स्थिति में रंग विभेद वो नहीं कर पाता है, कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और एक विकार से ग्रसित हो जाता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तीन बिंदु थे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कौन सेल की अप्रभावी स्थिति, तीसरा था ये एग्लूटिनेशन। अब देखो नेक्स्ट है आज का जो बिंदु है वो है म्यूटाजन। ये अगर हम आपके बिंदु लें, ये बिंदु दो बिंदु हैं, पेज नंबर 298 पर हैं बुक में, पेज नंबर 298 पर ये मिलेंगे आप। और यदि कौन सेल वाला आप देखना चाहो तो ये आपकी बुक में है, कौन सेल का, शंकु आकार की सेल बना रखे हैं बिल्कुल, पेज नंबर 228 पर आंख की संरचना में। देखो म्यूटाजन, ऐसे और भी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी इस बुक में, एक वर्ड आएगा एलर्जन, एक आएगा कैंसरजन, एक आएगा ड्रमेटोजन। वैसे यहाँ जितने वर्ड बायोलॉजी में लगभग आ रहे हैं उसमें जन का अर्थ है मोटिवेट, प्रेरित करना, इसको प्रेरित करेंगे अब, मोटिवेट का अर्थ है प्रेरित करना, कैंसर को प्रेरित करने वाले कारक म्यूटाजन कैंसरजन कहलाते हैं, जन का अर्थ है प्रेरित करना, एलर्जी को प्रेरित करने वाले कारक, एलर्जी को उत्पन्न करने वाले एलर्जन। यहाँ देखो जन का अर्थ है प्रेरित करना, उत्पन्न करना, किसको, म्यूटेशन को, वे कारक जो म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं या उत्पन्न करते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। और भी शब्द आते हैं, ड्रमेटोजन है, मेथोजन है, खूब सारे शब्द हैं, ट्वेल्थ की बुक में तीन शब्द दे रखे हैं। म्यूटाजन देखो, जन जिसके आ रहे उसका अर्थ है
प्रेरित करना, उत्पन्न करना, वे कारक जो किसको प्रेरित या उत्पन्न करेंगे, पहले वाले अक्षर को लेंगे, शब्द को लेंगे पहले वाले को, जन का प्रेरित करना म्यूटा करता है म्यूटेशन, तो वे कारक जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं या प्रेरित करते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे इसे उत्परिवर्तन जन, ये बोल देंगे। वे कारक जो म्यूटेशन को प्रेरित या उत्पन्न करते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन साथ में ध्यान में रखनी है। वे कारक जो कैंसर प्रेरित करते हैं, उत्पन्न कर रहे हैं कैंसर को, कैंसरजन, जो एलर्जी उत्पन्न कर रहे हैं वो एलर्जन, वो अन्य चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये। देखो नेक्स्ट है, म्यूटाजन का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, एक वैज्ञानिक थे मूलर वैज्ञानिक, इन्होंने कृत्रिम रूप से इसका अध्ययन किया, मूलर वैज्ञानिक का नाम है, मूलर वैज्ञानिक ने सन 1927 में एक जीव आर्थ्रोपोडा का ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसे, फल मक्खी, ड्रोसोफिला पर अक्स रेडिएशन, आपने पढ़ी होंगी अन्य सब्जेक्ट में, अक्स किरणों के द्वारा कृत्रिम रूप से म्यूटेशन को प्रेरित किया। दूसरा देखो, इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, अगर हम देखना चाहें इस कार्य के लिए इन्हें सन 1946 में नोबेल प्राइज मिला, विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज मिला। देखो प्रेरित करना म्यूटेशन को, वे कारक जो म्यूटेशन को प्रेरित है उत्पन्न करते हैं म्यूटाजन, कृत्रिम रूप से किस वैज्ञानिक ने देन किया, मूलर ने। देखो ध्यान करना है किस जीव पर प्रयोग किए थे, ड्रोसोफिला पर, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसे, फल मक्खी, कौन सी रेडिएशन काम में रहती, अक्स किरणें, नोबेल प्राइज मिला था। अब देखो ये फैक्टर हम आगे लेंगे, कौन कौन से फैक्टर है, यानी जो फैक्टर परिवर्तन को प्रेरित कर रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो फर्स्ट है म्यूटाजन फैक्टर, ये हम बोल सकते हैं, फर्स्ट फिजिकल फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे भौतिक, यानी जो वातावरण में है उनको फिजिकल फैक्टर बोलते हैं सामान्यतः। कौन कौन से हैं देखो, यूवी रेज फर्स्ट, इसके अलावा दूसरा अगर हम लें केमिकल फैक्टर, कुछ रासायनिक कारक जैसे मस्टर्ड गैस, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी खूब सारे हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, कुछ अन्य भी हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, रेडियोधर्मी किरणें, ये सारी क्या करेंगी, म्यूटेशन को प्रेरित करेंगी, इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। जो भौतिक से संबंधित है उनको भौतिक बोल देंगे, जो रसायन से संबंधित है उनको रासायनिक कारक बोल देंगे। तो ये छोटा सा मुख्य बिंदु था। दूसरा देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, हिंदी में इसे बोलेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब इस टॉपिक से संबंधित करीबन 15-16 डेफिनेशन आएंगी एक जैसी सी। क्या अर्थ लिया था, उत्कार था अचानक परिवर्तन, वे परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं, उनको हुगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन शब्द कहा, उत्परिवर्तन कहा था। यह शब्द भी उनका ही दिया हुआ है। देखो वंस अगेन, अचानक परिवर्तन, वे कारक जो अचानक उत्पन्न, वे परिवर्तन जो अचानक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अचानक किस में हो? गुणसूत्रों में। तो गुणसूत्रों में होने वाले वे सडनली चेंजेज दो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उन्हें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो फर्स्ट है संख्यात्मक, संख्यात्मक परिवर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरिकल चेंजेज। 46 से एक अधिक, दो अधिक, एक कम, दो कम, दूसरा आ जाएगा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसको वैसे अगर पूरा लिखना चाहिए हम तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखो गुणसूत्रों में होने वाले अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, वो भी गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित होने वाले परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, गुणसूत्रों की संरचना से संबंधित होने वाले परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, उन्हें संख्यात्मक कह देंगे। देखो ये कई प्रकार के होते हैं। एक है यूप्लोइडी, हिंदी में लिख रहा हूं मैं केवल, नेक्स्ट डे हम लेंगे इसमें इंग्लिश वर्जन भी साथ में, सुगुणिता। दूसरा है असगुणिता, इसको बोलेंगे ऑटोपोली, इसको बोलेंगे एनप्लोइडी, यूप्लोइडी, एनप्लोइडी। यदि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन किस रूप में हो? घात के रूप में, ऐसे गुणज के रूप में, एन टू एन थ्री एन, ऐसे वर्ती हो या ऐसे कमी हो। इसमें कैसे वर्ती हो? संख्या के रूप में, एक अधिक, दो अधिक, एक कम, दो कम। ये पुनः दो प्रकार का होता है। एक है सव बहुगुणिता, अगर एक ही जाति के गुणसूत्र हैं, एक ही जाति के गुणसूत्रों का समुच्चय इंक्रीज हो रहा है, जैसे 2n 2n, मानों में 2n बराबर 46, दूसरी सेल भी यदि ऐसी फ्यूज कर देंगे 2n बराबर 46, तो उसको बोलेंगे स्वयं, यानी स्वयं की जाति की। दूसरा है पर बहुगुणिता, इसमें कुछ हम फसल भी पढ़ेंगे, क्रोप्स टिट्रिकेल रेफिनोब्रेसी का, यानी दो अलग अलग जातियों के क्रोमोजोम पेड़ अवस्था में हम दर्शाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के यदि क्रोमोजोम एक ही जाति में हम व्यवस्थित करते हैं, उसे पर बहुगुणिता कहते हैं। जैसे टिट्रिकेल पढ़ेंगे, रेफिनोब्रेसी का पढ़ेंगे। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक है हाइपो, एक हाइपर। अब इसमें भी मोनोसोमी पढ़ेंगे, एक तो 2n माइनस 1 बोलेंगे, दूसरा है नलीसोमी 2n माइनस 2, तीसरा पढ़ेंगे ट्राईसोमी 2n प्लस 1, चौथा हम पढ़ेंगे टेट्रासोमी। देखो इसको तो बोलते हैं द्वि अधिसूत्रता, इसको हिंदी में बोलेंगे एकाधिसूत्रता, इसको बोलेंगे द्विन्यून सूत्रता, इसको बोलेंगे एक न्यून सूत्रता। एक जैसे शब्द हैं, मानों में कितनी सती है? 2n बराबर 46, एक कम यानी 45, दो कम यानी 44, एक अधिक यानी 47, इसमें दो अधिक यानी 48। देखो एक का अर्थ है एक, न्यून का अर्थ होता है कम होना, सूत्रता का अर्थ है गुणसूत्र, कि मानव में जितनी वास्तविक स्थिति पाई जाती है, सामान्य जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उससे एक कम होना, एक न्यून सूत्रता। परंतु इसकी बजाय मोनोसोमी शब्द ध्यान में रखना आपको, क्या ध्यान में रखना है? मोनोसोमी ऐसे ही बोल देंगे, मोनोसोमी, क्योंकि हिंदी वाले से बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होता है। एक कम होना क्या? गुणसूत्र। द्वि यानी दो, न्यून यानी कम होना, सूत्रता यानी गुणसूत्र, जितनी सामान्य स्थिति है नॉर्मल मनुष्य में उससे दो कम होना द्विन्यून सूत्रता। एकाधि सूत्रता, एक अधिक प्लस लगा देंगे, सूत्रता यानी गुणसूत्र, सामान्य से एक अधिक होना, एकाधि गुणसूत्रता ट्राईसोमी।
देखो द्वि का अर्थ है दो, अधिक का अर्थ है प्लस लगा देंगे, सूत्रता का अर्थ है गुणसूत्र यानी सामान्य से कितने दो अधिकों से द्वि अधि सूत्रता कहते हैं। ये कलम डीपली पढ़ेंगे। अगर गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं परंतु वो किससे संबंधित हो, केवल गुणसूत्र की संरचना से, इसके भी हम बिंदु पढ़ेंगे। जैसे विलोपन, यदि गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाए उसको विलोपन कह देंगे। अगला है स्थानांतरण, यदि गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर किसी अन्य गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाए उसे बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अगला है डुप्लीकेशन, गुणसूत्र पर यदि कोई जो खंड उपस्थित है वैसा ही कोई एक अन्य खंड और आकर जुड़ जाए यानी द्विगुणन। और लास्ट स्थिति है ये बोल सकते हैं प्रतिलोमन। ये दो प्रकार का हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे पेरिसेंट्रल एक पैरासेंट्रल, इसको बोलेंगे इन्वर्जन। आगे कल फिगर समेत इसका हम करेंगे। यदि गुणसूत्र का कोई खंड विलोपित हो जाए हट जाए ये मान लेंगे, यहाँ से कोई खंड अलग हो जाए ये विलोपन बोल देंगे। स्थानांतरण, ये खंड किसी अन्य गुणसूत्र पर या इसी गुणसूत्र के इस सिरे पर आकर जुड़ जाए वापस, उसको स्थानांतरण कहेंगे। डुप्लीकेशन, यहाँ जो जीन है वैसे कोई अन्य जीन आकर जुड़ जाए उसको डुप्लीकेशन कह देंगे। इन्वर्जन यानी पहले गुणसूत्र क्या होगा दो भागों में टूट जाएगा, टूटकर ये खंड वापस अपोजिट होकर जुड़ जाता है उसको इन्वर्जन कहते हैं। सो ये जो बिंदु अपन ने लिए ये डीपली जो एक लीनियर फिगर बनाए, कल इसका डीपली हम अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस।